अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, जो पहले सबसे पहले तो जो भी न्यू फ्रेंड आया तो पहले मेरे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने जैसा प्यारा सा कॉमेंट करके तो लाजमी जाना। तो जी, वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो जी, वीडियो का आगाज़ तो यूँ है कि आज मुझे बहुत दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कल वाली जो वीडियो अपलोड करी थी वो तो आपने देखी थी ना कि माफ़ी मांग ली, सब कर लिया। तो यार, माफ़ी मांग ली तो अब बस दिल साफ करो ना। अभी क्यों इतना, मतलब आप बात बात पर टोंट मार रहे हो उनको, अय्यूब साहब को, अय्यूब अंकल को क्यों आप टोंट मार रही हो? क्यों मिर्ची लगी क्या? ये हुआ क्या? वो हुआ क्या? आप ऐसा कर रहे हो, उनका भी दिल बुरा होगा, आगे से वो भी आपको जवाब दे रहे हैं, फिर आगे से आप सवाल कर रहे हो, फिर वो जवाब दे रहे हैं। तो ये तो मतलब चलता ही रहेगा सिलसिला। और जी, रिहाना बॉस ने भी बोला कि मुझे मेरी देखम देख जो है ये वहाँ अजमेर शरीफ चली गई, सॉरी बगदाद चली गई, गौसे आज़म के मज़ार पर चली गई। तो पहली बात तो ये कि देखें, आप इतनी पाक पाक जगह गई हैं, मतलब हमारे पीराने पीर हैं वो गौसे आज़म दस्तगीर, और आप उनके मज़ार पर जाकर, आप सही बोला उन्होंने कि आप क्या वीडियो बनाने गए हो, आप क्या मतलब गाने शाने ये वो आप रील्स बना रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। मतलब दुख हो रहा है देख के कि आप एक मुस्लिम होकर एक मुसलमानों का मजाक उड़ा रही हो। आप इतनी पाक जगह, इतनी मुकद्दस जगह आप जाकर, मतलब हम सभी मुसलमान जो है गौसे आज़म को कितना मानते हैं, कितना मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई होगा ऐसा जो उनको ना जानता हो या ना मानता हो, मुसलमान कोई ऐसा होगा, सभी उनको जानते हैं, सभी अपनी मुश्किल परेशानी में उन्हें पुकारते हैं। और आप भी इस वक्त एक परेशानी में ही हो और उसके बावजूद आप जाकर वहाँ पे गाने बना रहे हो, ये कर रहे हो, मैंने 1 लाख का ड्राई फ्रूट ले लिया, ये कर लिया, ये सब दिखावे वाली बातें ही होती हैं। आप 1 लाख का लो या 50,000 का लो या 5 लाख का लो या 5 करोड़ का लो, आप लोद ले तो अपने लिए रही हो ना। आप कौन सा जाकर अपने शहर जाकर, अपने वतन जाकर आप जो है वो खराब कर दोगी सब कुछ? नहीं ना, आप अपने लिए ले रहे हो यार। आप 1 लाख का लो, अल्लाह आपको दे के आप 10 लाख का लो, 10 करोड़ का लो आप, पर आप ऐसा दिखावा तो मत करो और टोंट मत मारो ना। आप भी कर रहे हो फिर वो भी करेंगे, इस तरह तो एक होना आप लोग का वाकई में बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन कुछ ना कुछ। मतलब जब चाहो कि आप ऐसी वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर पता लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया आप, आपकी तरफ से ऐसा हो गया। और रिएक्शन में अय्यूब अंकल ने भी ऐसी वीडियो बना दी कि फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, हम भी फिर आपके वीडियो बनाने लग जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग कमेंट में आके कहेंगे आपको क्या पढ़ी है, आपको क्या पढ़ी है। तो देखें जी, माय डियर फ्रेंड, देखें जब तक किसी भी हस्बैंड वाइफ की बात जब तक चार दीवारी के अंदर रहे ना तो वो हमारे घर की बात है, हमारे घर का मसला है। अभी यही लोगों ने ही सोशल मीडिया पर लेकर आया, सोशल मीडिया पे जो बात आ जाती है ना वो जंगल में आग की तरह फैलती ही चली जाती है। एक चले मैं बनाना छोड़ दूँगी, बाकी हज़ारों यूट्यूबर हैं जो इनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपका उनके बारे में क्या ख्याल रहेगा? आप उनको भी ये बोलेंगे आप छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो छोड़ो, फिर इस तरह से हम लोग को, हम जो यूट्यूबर नहीं भी हैं वो लोग भी इनकी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को फिर इस तरीके से गलत मैसेज जा रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं, एक दूसरे को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं एक दूसरे को मैसेजेस के ज़रिए, और कभी ब्लॉक करते हैं कभी एक दूसरे को। अगर आप लोग, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग एक ही बार ना लाइव में किसी की भी, चाहे अय्यूब अंकल की लाइव हो चाहे आपकी लाइव हो, पर आप दोनों एक बार सामने आओ और सामने मतलब एक साथ बात कर लो, एकदम फेस टू फेस नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट लाइव में आकर एक दूसरे की बात कर लो, ताकि उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आप लोगों के गिले शिकवे जो है ना वो सब मिट जाएंगे। और एक दूसरे की कॉपी करना, दिखावे करना ये सब ना करो। और ये जो आप जाके ये रील्स बना रहे हो ना, ये भी बनाना बंद करो। आप इतनी मतलब इतनी दरगाहों पर आप गए हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी दरगाह पर गए हो आप, वहाँ पर भी आपने जाकर क्या किया? आप अपने रील्स वगैरह ये चीज़ें आप करोगे अब और क्या करोगे आप? तो ये थोड़ा सा ना बुरा सा लग रहा है कि आप एक मुस्लिम हो के माशाल्लाह आप नमाज़ें भी पढ़ती हो, आप सुबह उठ के तिलावत भी लगाती हो अपने घर में, आप थोड़ा तिलावत लगाने के बजाय उसे या तो पढ़ो या तो फिर सुनो गौर से, ताकि
उसका मतलब भी आपको एक एक वर्ड का मतलब भी जो है ना वो समझ में आता जाए, और ना आप अल्लाह करे कि आपको हिदायत मिले अल्लाह की तरफ से, और आप दीन के रास्ते पर आपने वायर जो पहने हुए आप ये इसे मतलब मैं तो चाहूँगी कि आप हमेशा इसको कैरी करते रहो, और टोंट मारना बंद करो, टोंट नहीं मारो आप, टोंट मारना बंद करो, आप उनकी लाइफ में क्यों जा रहे हो, आप तीसरी शादी क्यों कर रहे हो, ये वो ये वो ये करना बंद करो, इससे ना बदगुमानियाँ और फैलती जा रही हैं आप लोगों के रिश्ते में, जिससे सिर्फ सभी लोग जो हैं वो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने जैसा प्यारा कमेंट कर भी जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।